नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी मेंटर पर स्वागत है। हम पीआरटी सीरीज़ कर रहे थे जिसमें कि टीचिंग एप्टीट्यूड और चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड जो अप्लाई बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसे हम कर रहे थे पिछले तीन सेट्स में, जो हमने तीन टेस्ट अभी तक हमने कंप्लीट किया। आज हम चौथे टेस्ट को करने वाले हैं, पर उन सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाह रहा हूँ क्योंकि आप सभी ने बहुत अच्छी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दी है। इसलिए मैं कंटिन्यूसली जो है इस चीज़ को चला रहा हूँ और आगे भी पूरी कोशिश करूँगा कि 10 से 12 13 के आसपास तक मैं टोटल आप लोग को टेस्ट अवेलेबल कराऊँ। टेस्ट में 10 क्वेश्चन आप लोग को लग रहा होगा कि कुछ, जैसे मित्रों का कमेंट आया, कम नहीं है एक्चुअली। 10 जो है केवल 10 मत समझिए, उसके साथ साथ जो मैं डिस्क्रिप्शंस देता हूँ, हर डिस्क्रिप्शन में दो तीन क्वेश्चंस के आंसर छुपे होते हैं, कॉन्सेप्ट्स छुपे होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है उसके साथ साथ। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देंगे तो उसके साथ डिस्क्रिप्शंस जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि मैं फिर उसे डेप्थली नहीं बता पाऊँगा, उतना टाइम नहीं हो पाएगा, क्योंकि 40-50 मिनट का हम वीडियो बना नहीं सकते। 10 से 15-20 मिनट तक हम लोग मैक्सिमम जाते हैं ताकि आपको भी कम्फर्टेबल रहे और आप आराम से देख सके चीज़ों को और समझ सके। दूसरी बात कि आप लोग सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जब फ्री टाइम हो, जब पढ़ने से बोर हो गए लगातार किताबें पढ़ के, तब यूट्यूब का यूज़ कीजिए और चीज़ों को लिमिटेशन में यूज कीजिए। अभी थोड़ी से एक महीना तक कंटिन्यूसली जो है सेल्फ स्टडी ज़्यादा करें, यूट्यूब का केवल एक हेल्पिंग के रूप में उपयोग लें, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए, मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, ठीक है। तो जब भी फ्री टाइम हो तो यूट्यूब देखिए, या जो FB पे हमारा ग्रुप है सीटेट मेंटर, तो उस फ्री टाइम का आप उपयोग करें, और जब उस पे कुछ मटेरियल्स हैं या टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस डाले गए तब उसका उपयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे आप फोकस करें, ठीक है, और फ्री टाइम में केवल उपयोग करें, और सेल्फ स्टडी जितना करेंगे, जितना ज़्यादा सेट बनाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको जो है जवाब देना है, 2-3 सेकंड से ज़्यादा समय मैं नहीं दूंगा। आप क्वेश्चन को देखिए, कोई भी छात्र जो है किस शिक्षक को सबसे ज़्यादा पसंद करता है। जब भी देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं अप्लाई बेस, तो मैं पहले भी आपको शायद बताया हूँ या आज फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा कि जब भी अगर इस तरह का अप्लाई बेस क्वेश्चन आता है कि, तो अपने आप को एक छात्र के रूप में देखिए। वहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको कैसा शिक्षक पसंद है, ठीक है, तो आप अपने आप को जो है एक स्टूडेंट मानिए, और आप कल्पना कीजिए कि आपका जो आदर्श टीचर है, कि जो आपका फेवरेट टीचर होता था, वो कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, कि कैसी होनी चाहिए एक टीचर जो है। आपको जो व्यक्तिगत अनुभव है जीवन में, जब आप स्कूल लाइफ में थे, तो आपको क्या लगता है कि एक आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो आप जब उस चीज़ को सोचेंगे तो अपने आप जो है ऑप्शंस में से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला है नाराज नहीं होता है, ठीक है, जो मतलब नाराज नहीं होता हो, ठीक है, इसको रख दिया। समस्याएँ सुनता है, ठीक है, ये भी ठीक है। समय का पाबंद है, चलिए ये भी ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। सुंदर है, ये क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए इसको क्रॉस कर दीजिए। अब देखते हैं तीन, ठीक है, तो शिक्षक नाराज होगा ही, जब आप अगर गलती करते हैं तो नाराज होना स्वाभाविक सी बात है। तो एक बेहतर शिक्षक या बेहतर दोस्त कौन माना जाता है, जो आप पे नाराज भी होता है, आपको प्यार भी करता है, हर तरह की जो है आपकी जो कमी है या जो खूबियां हैं उसे जो है उभारने की कोशिश करता है या आपको बताता है। तो ए ऑप्शन जो है कमज़ोर है, इसलिए इसको काट दीजिए। अब हम देखते हैं बी और सी, ठीक है। केवल समय का पाबंद होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, या जो समस्याएं सुनता है वो इम्पॉर्टेंट है। आप दोनों में से चुनिए, क्या लग रहा है कि बी और सी में से कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट और स्ट्रॉन्ग लग रहा है। समय का पाबंद होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप क्लास के बाद भी अगर कोई बच्चा जो है, अब कभी मान लीजिए कि स्कूल ख़त्म हो गई, किसी बच्चे को किसी विषय पे जो है दिक्कत है, वो अगर आपसे कुछ पूछना चाह रहा है, तो आप कहेंगे कि नहीं, स्कूल समाप्त हो चुका है, अब आप जाइए, आप कल मिलिएगा। तो इससे एक तरह की नकारात्मक छवि जो है बच्चे के मन में आपके प्रति बन जाएगी,
ठीक है, क्योंकि समय की पाबंदी आप हर जगह नहीं दिखा सकते। वहाँ पे मान लीजिए कि जो चीज़ उसके मन में चल रहा है, जो क्वेरी उसके मन में चल रहा है बच्चे के, अगर आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं तो वो चीज़ें हो सकती है पूरे दिन या शाम तक या उसके मन में वो बातें घूमती रहें, या हो सकता है उससे कोई वो बड़ा स्टेप ले ले, कल हो के कोई उसके साथ दुर्घटना हो जाए या वो सुसाइड तक की नौबत वो स्थिति में वो पहुंच जाए। तो इसलिए जो है सी जो है गलत है। बी क्या होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, इसलिए बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि जो बच्चा जन्म लेता है उसमें बाई बर्न जो है सामाजिकता होती है, क्या यह पॉसिबल है? आपको क्या लगता है कि जन्म के साथ उसमें जो है ये सारी चीज़ें रहती हैं या वो सीखता है? आपको क्या इसमें से क्या लग रहा है? आप पूर्णतः इस बात से सहमत हैं? ठीक है, पहले आप सोच लीजिए इन चारों में से, आप अपने मन में एक विचार बना लीजिए कि कौन सा ज़्यादा सही है। मुझे ये गलत लग रहा, संभवतः सहमत है, इसको छोड़ दीजिए, डाउट में रखिए, इसको रखिए, कुछ सीमा तक सहमत है, इसको भी डाउट में रखिए। अब हम इस पे विचार करते हैं। पहले होता क्या ना कि एग्ज़ाम में जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो जो बिल्कुल नहीं हो सकता है पहले उसे काट दीजिए। उसके काटने के बाद क्या हुआ, मेरे पास अब विकल्प बचे तीन, अब मैं केवल इसी तीनों पे सोचूंगा, इसके संदर्भ में तो मैं सोचूंगा ही नहीं, अब ये तो ख़त्म हो गया। अब इनमें से जो जो कमज़ोर है उसको क्रॉस कीजिए। सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, इस कथन से आप सहमत हैं? जो बच्चा होता है क्या जन्म लेने के बाद उसमें आंशिक रूप से भी क्या सामाजिकता होती है या वो सब कुछ यहीं सीखता है? क्या लगता है आपको? वो यहीं पे सब कुछ सीखता है, धीरे धीरे वो देखता है, जिज्ञासा के भाव से आसपास की वस्तुओं को देखता है, आपसे प्रश्न पूछता है, आपसे परिवार के रीति रिवाजों को सीखता है, सब कुछ वो यहीं सीखता है, वो कुछ लेकर नहीं आता है। पारिवारिक परिवेश और जो उसका जेनेटिकली गुण है उसी के आधार पे उसका डेवलपमेंट होता है। इसलिए जो है ये भी गलत है और ये भी गलत है, इस कथन से क्या है, असहमत है। सब कुछ जो है वो यहीं सीखता है, जेनेटिकली कुछ फीचर्स उसमें होते हैं, लेकिन यहाँ पे सामाजिक भावना पूछा है इसलिए जो है नहीं। मानसिक भावना होता तो एक बार सोचा भी जाता, मानसिक चीज़ें तो है कि हाँ कुछ जेनेटिकली उसमें कुछ फीचर्स होंगे, लेकिन सामाजिकता जो है आपको समाज से मिलती है, आप समाज से जब जुड़ते हैं, जब इंट्रैक्शन करते हैं तो आप चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है सी मोस्टली जो है सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, इसलिए सी के साथ जाना बेहतर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन नंबर देखिए, अभी हम दो पे बात कर रहे थे ना, उसी से जुड़ा हुआ ये भी है। तीन नंबर देखिए, स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं, कैसे होते हैं? ठीक है, इसी पे विचार करना है। डरपोक और संकोची, ये अच्छा अभी रुक जाइए, उस पर हम बाद में चुनेंगे। निर्भीक और स्वतंत्र, शांत और सक्रिय, सक्रिय और जिज्ञासु। ठीक है, छोटे बच्चे पहली बात कि शांत नहीं होते हैं, वो एक्टिविटी करेंगे, कुछ ना कुछ पूछेंगे, कुछ ना कुछ जानने को उत्सुक रहेंगे, इसलिए ये ख़त्म। ठीक है, डरपोक और संकोच, डरपोकपन उसमें ऑटोमेटिकली नहीं आता है, वो यहाँ आने के बाद सीखता है। कैसे सीखता है? जैसे कि अगर वो पहली बार, जब आप देखते होंगे किसी छोटे बच्चे को कि अगर आप उसके सामने पहली बार आग को लाएंगे, ठीक है, कोई दीपक जल रहा है या कुछ जल रहा है, तो उसे वो जिज्ञासा के भाव से उसे छुएगा, उसे नहीं पता है कि इससे जो है मेरे हाथ जल सकते हैं या चोट लग सकती है, ये चीज़ें उसे नहीं पता है। या कोई एनिमल्स है, बहुत सी ऐसी वीडियो देखी होगी आपने कि छोटा सा बच्चा है वो सांप को जो है पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जब उसके सामने सांप रखी गई है तो उसे नहीं पता है कि ये सांप है। ठीक है, तो इसलिए डरपोक तो हो ही नहीं सकता है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, अब दो ऑप्शंस बचे हैं हमारे पास, एक तो है निर्भीक और स्वतंत्र, दूसरा है सक्रिय और जिज्ञासु। सक्रिय का मतलब क्या होता है कि एक्टिविटी करता है, मतलब हमेशा घूमता फिरता रहेगा, चलता रहेगा, घर में लगातार एक्टिविटी कर रहा है। जिज्ञासु का मतलब है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि वो जब डेवलपमेंट की प्रोसेस में होता है बच्चा, तो वो जब नई चीज़ों को जानता है तो वो पूछता है, जो उसके साथ घर के सदस्य हैं तो उनसे वो पूछेगा कि ये है क्या,
कैसे बना, क्या होता है इससे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए जनरली होता है कि पेरेंट्स खींच जाते हैं बच्चों से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा होता है उस समय। उसमें उसकी भी गलती नहीं होती है, वो एक नई दुनिया में आया है, एक नए समाज में रह रहा है, वो जानने को उत्सुक है कि आखिर ये है क्या। उसके मानसिक विकास की जो है वो प्रक्रिया चल रही है, और धीरे 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 ये आकृतियाँ जो धुंधली सी आकृतियाँ हैं उसकी, वो एक संरचना का रूप लेती जा रही है। मतलब कि उसके मानसिक विकास का एक जो है आकार जो है डेवलप होता जा रहा है। तो इस स्थिति में वो लगातार क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए जो है कभी भी जब बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसे जवाब दीजिए, क्योंकि वो उससे जो है चीज़ों को जानना चाह रहा है। दरअसल वो आपको परेशान करने के लिए प्रश्न नहीं पूछ रहा, दरअसल वो जानने के लिए प्रश्न पूछ रहा है कि सर कि जो है ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे होती हैं, सारी प्रक्रियाओं को समझना चाहता है। ठीक है, तो डी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ऑप्शन है, इसलिए डी के साथ जाना सही रहेगा। बी भी अपने आप में सही है पर बहुत स्ट्रांग नहीं है। अगर एक चुनना हो तो आप डी के साथ जाइए, क्योंकि जिज्ञासा का भाव जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है बच्चे में, इसलिए जो है डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, पर चलिए इस पर भी हम बात करेंगे। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग क्या है? तो इसका जो आंसर है बताइए क्या लगता है आपको, इनमें से कौन सा है? 6 से 16, 12 18, 18 50, 15 35। चलिए, इसका राइट आंसर डी है। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद से ही, जो आज़ादी के बाद जो योजनाएं लागू की गई उसके बाद से ही, जब हमारे देश में जो शिक्षा का स्तर था या जो प्रतिशत था वो बहुत कम था, लोगों की जागरूकता बहुत कम थी। जनरली होता क्या था कि गरीबी के कारण जो है बहुत कम उम्र में ही लोग काम करने के लिए, पारिवारिक पालन पोषण के लिए जो है काम करने लगते थे, तो वो शुरू में शिक्षा नहीं ले पाते थे। कि मतलब हुआ कि वो शुरू से ही काम करने लगा, मान लीजिए कि 12 साल से ही वो काम करने लगा, परिवार के दबाव के कारण या उसके पिता का अचानक देहांत हो गया, तो इन सब दबाव में बहुत से ऐसे लोग थे। या किसी महिला की शादी हो गई, पहले बाल विवाह होता था तो बहुत कम एज में शादी हो गई, शादी होने के बाद क्या हुआ कि वो मायके चली गई, सॉरी ससुराल चली गई, मायके नहीं ससुराल। तो वहाँ पे जो है घर की जिम्मेवारी है उस पर बढ़ गई। धीरे 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 जब वो मान लीजिए कि 25 के आसपास पहुँची एज में, तो यहाँ से यहाँ तब तक उसके बच्चे जो हैं बड़े होने लगे हैं, तो अब थोड़ा सा वो फ्री रहती हैं। तब क्या होता है कि सरकार इस स्थिति में जो है ये प्रौढ़ शिक्षा को जो है बढ़ावा देना शुरू कर दिया, ताकि जो है अगर उसके बाद जो है वो फ्री हैं तो पढ़ सकती है। कोई महिला है या कोई पुरुष है, मान लीजिए कि वो अगर वो काम ही कर रहा है, कोई पुरुष भी 12 साल 15 साल से किसी कंपनी में काम कर रहा है या किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, उस समय देश में बहुत गरीबी थी, तो वो जो है धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो गया, उसके पास कुछ पैसे हो गए, तो अब वो कुछ पढ़ना चाहता है ताकि वो अपने बिजनेस को या अपने काम को आगे बढ़ा सके। तो इसलिए जो है सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा जो है एक प्रक्रिया शुरू की, जिसके माध्यम से ऐसे लोगों को पढ़ाया जा सके और देश की साक्षरता को बढ़ाया जा सके। इसलिए डी आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखिए, बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियाँ क्या होती हैं? चलिए इसमें देखिए क्या लग रहा है आपको। वृद्धि के अनुरूप, कभी भी क्वेश्चन को अंडरलाइन करके पढ़िए कि उसमें पूछ क्या रहा है। उनकी रुचियाँ मतलब कि डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, शारीरिक विकास हो रहा है, तो उसके साथ साथ जो उसकी रुचियाँ हैं, जो बहुत सारी रुचियाँ होंगी उसके पास, जो चिंतन की बहुत सारी बातें उसके मन में चल रही होंगी या कुछ ना कुछ क्रियाकलाप करने की उसकी इच्छा हो रही होगी, तो वो क्या होती है? बहुमुखी हो जाती है, ठीक लग रहा है, इसको डॉट दे के छोड़िए। सुदृढ़ और सीमित हो जाती है, इस पे डाउट है, ये कमज़ोर ऑप्शन मुझे लग रहा है। अनियमित दिशा में चली जाती है, 5 नंबर, ठीक है, ये कमज़ोर ऑप्शन है, इसको काट दीजिए। पहले जैसी रहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, जब वो वृद्धि के अनुरूप होगा तो उसमें कुछ ना कुछ बढ़ता जाएगा। तो होगा क्या कि इसमें से सी बी और ए में डाउट है, तो अगर हम देखें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इनमें से कौन सा है, तो ए ज़्यादा स्ट्रांग है। बहुमुखी का मतलब है कि उसकी रुचि बहुत सारे कामों में होने लगेगी। वो सोचेगा जब बढ़ेगा बच्चा तो सोचेगा कि डांस क्लास भी सीख लूँ, जिम भी चला जाऊँ, स्कूल में के बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ क्रिकेट भी खेल लूँ, फुटबॉल भी खेल लूँ,
स्कूल की करिकुलर एक्टिविटी में भाग भी ले लूँ, बहुत सारी चीज़ें उसे करने का मन करेगा। ऐसा होता है, आप जनरली सोचिए, आप जब 9th 10th में पढ़ते थे तो ये सब चीज़ें आती थी, नहीं आती थी दिमाग में? बहुत सारी बातें आती थी कि कभी जो है कुछ और गाने सुन लूँ या मूवी देखूँ, बहुत सारी बातें आती है, 5 6 10 चीज़ें एक साथ चल रही होती है दिमाग में। तो वही चीज़ है, ये जो है अप्रोप्रिएट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है बी की तुलना में, क्योंकि ये लिमिटेशन की बात कर रहा है ना, लिमिटेशन नहीं होगी ना, ये ग्रोथ करेगा ना, ग्रोथ के साथ साथ रुचियाँ बढ़ेंगी उस एज में। जो है पुरुषों में जनरली रुचि किस चीज़ की आएगी, कि जिम चला जाऊं, डांस सीख लूं, क्रिकेट भी खेल लूं, फुटबॉल भी खेल लूं, दोस्तों के साथ गप्पे भी मारूं, कहीं घूमने चला जाऊं, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। लड़कियों में क्या आएंगी कि वो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ जो है उनमें भी आएगी, कि अपनी सहेलियों के साथ कहीं घूमने जाऊँ, जो मेरे पे लिमिटेशन है थोड़ी कम हो जाए, मैं कहीं घूमने जा सकूं, या अगर वो कुछ और घरेलू कामों को सीख रही है, कुछ सिलाई वगैरह की काम सीख रही, तो उसमें उसकी रुचि ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, चाहे पुरुष हो या मतलब कि लड़का हो या लड़की हो, सभी के मन में ये बातें चल रही होती है अलग अलग तरह की, ठीक है? तो इसलिए जो है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर हमने 5 तक किया था। ठीक है, 6 नंबर देखिए। एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है, कोई अगर बच्चा है वो संतुलित और सुधरेपन तथा स्वच्छता का अनुपालन कर रहा है, तो यह किस चीज़ का सूचक है? मतलब कि बच्चे में पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं, निगेटिव चल रही हैं, क्या लग रहा है आपको कि ये चीज़ें कैसे आई उसमें? ये उसके रुचि का विषय है, अभिवृत्ति मतलब कि मनोवृत्ति मतलब कि सोच एप्टीट्यूड, ठीक है, या फिर अभिवृत्ति एवं अनुशासन का मिक्सचर है, ठीक है, मूल्य का है, मूल्य मतलब नैतिक चीज़ें, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा है सोचिए, ठीक है? देखिए आपको क्या लगता है, सूचक मतलब कि प्रतीक, सिंबल, किस चीज़ का सिंबल है? रुचि तो होगा नहीं, ऐसे बच्चे क्या होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, वो डिसिप्लिन्ड है क्योंकि वो स्वच्छता को लेके जागरूक है, वो डिसिप्लिन है कि जो डस्टबिन है उसका हमें प्रयोग करना है, या कोई भी चीज़ अगर हम खा रहे हैं, अगर चॉकलेट खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, तो उसकी जो कवर है, जो प्लास्टिक है, उसे हम सही जगह पे डिपॉजिट कर सकें। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके अनुशासन को एवं उसके आप उसके जो है एप्टीट्यूड को दिखाता है कि वो एक डिसिप्लिन है, और जो है उसकी एप्टीट्यूड सही है, कि वो सही चीज़ों के लिए अवेयर है, जागरूक है, ठीक है? तो सी जो है सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, सी राइट आंसर होगा। सात नंबर देखिए, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? कि धन कमा सके, ज्ञान अर्जन कर सके, बेहतर जीवन जिए, सम्मान पा सके। कुछ जगहों पे आपको आदर्शवादी बनना पड़ता है, हर जगह जो है प्रोफेशनल भी नहीं रहना, एक बैलेंस का मार्ग, जब भी एग्जाम को आप फेस करें तो एक बैलेंस के मार्ग पे ऑप्शंस को चुनिएगा, ठीक है? तो धन कमा सके ये काट दीजिए पहले ही, ठीक है? ज्ञान अर्जन ठीक लग रहा है, बेहतर जीवन भी ठीक है, सम्मान भी ठीक है। अब इसमें से अगर एक चुनना है तो देखिए होता क्या है ना, कि बहुत सारे डॉट होते हैं और एक बड़ा सर्किल होता है जिसमें कि सारे डॉट आ जाते हैं, ठीक है? ये अलग अलग बिखरे हुए थे और एक बड़ा सर्किल है, सभी उसमें आ जाएंगे, ठीक है? तो अगर शिक्षा का उद्देश्य पूछा जाए कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आप एजुकेशन लेते हैं तो उसका बड़ा उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान अर्जन, बी जो है राइट आंसर है। कैसे है मैं बताता हूँ, ज्ञानार्जन अगर आप करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ने से क्या होगा कि आपके जीवन में सुधार आएगा। सुधार कैसे आएगा, जॉब से मत जोड़िए उसे, सुधार इसलिए आएगा कि आप चीज़ों को देखने का जो आपका नज़रिया है वो सुधर जाएगा। कैसे सुधरेगा, कि आप जो है चीज़ों को लेके एक्टिव होंगे, जो भी आपके साथ घट रही है या कोई भी विषय है उस पे आप बेहतर निर्णय ले सकेंगे। बेहतर निर्णय का मतलब है कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए कि किसी से लड़ाई हो रही है आपकी, तो आप उस स्थिति में तुरंत एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि आगे पीछे सोचेंगे कि अगर मैंने अभी लड़ाई की तो बाद में क्या होगा, बाद में
केस होगा या पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, हो सकता है कि पूरा जीवन जो है एक जेल में बिताना पड़े। तो ये चीज़ें आप सोचेंगे। अगर आप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या करेंगे? ये नहीं सोचेंगे आप। जो होगा इसी समय होगा, उसे मार देंगे या उसे लड़ाई करके कुछ एक्सट्रीम कर देंगे, जिससे कि आपका पूरा जीवन क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये होता है शिक्षा से, ये चीज़ें। दूसरी चीज़ है कि आप दुनिया भर की चीज़ों को जान पाएंगे, जो नए अपडेट्स आ रहे हैं पढ़ पाएंगे, नोबेल्स पढ़ रहे हैं या फिर जो करंट की मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, तो उसे जो नए शोध हुए हैं या नई कोई चीज़ है उसे आप जान सकेंगे। टेक्नोलॉजी के बारे में नई जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो ज्ञानार्जन से ये भी फायदा होगा, सम्मान तो अपने आप मिल जाएगा, आपके पास अगर नॉलेज है तो सम्मान अपने आप मिल जाएगा। तो ज्ञानार्जन क्या है? बड़ा सर्किल है, जीवन स्तर इसका एक हिस्सा है, सम्मान भी एक हिस्सा है। धन हो ना हो ये अलग बात है, धन को मैं इस सर्किल में नहीं रख रहा। धन हो सकता है आपके पास हो भी, हो सकता है कि ज्ञान होने के बाद भी आपके पास धन नहीं हो, हो सकता है धन आपके पास कम हो, जो आप काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा पैसे आप नहीं कमा सके। तो धन को मैं इस सर्किल में नहीं रख सकता, क्योंकि वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वैकल्पिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? जो सहयोग की भावना है उसे विकसित करना है। ऑप्शंस पढ़िए, पहले काटिए कौन कौन सा गलत है इसमें से। ये गलत है, कहानी सुना के बात बनाकर हर जगह पे आपका काम नहीं होगा। आप लेक्चर मेथड का आप हर जगह प्रयोग नहीं कर सकते, कहानी नहीं सुनाएंगे, काटिए इसको। सहयोग न करने वाले को दंडित करेंगे, बिल्कुल नहीं, दंडित करने से कुछ नहीं होगा, ये प्रेरणा वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, किस चीज़ पे? पढ़ाने में, या जो बच्चों को समझाने में, या जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं स्कूल की उसको कराने में। तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, आप ए के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन बी जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अन्य शिक्षक के साथ मिलकर, अगर मान लीजिए कि क्लास में दो क्लासों के बीच में आप कंपटीशन करा रहे हैं या उसमें आपसी सहयोग से कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, तो उससे जो है परस्पर सहयोग की भावना जो है बच्चों में विकसित हो जाएगी। तो बी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ए भी ठीक है, ए इसके लाभ को बताएंगे, लेकिन ये भी लेक्चर टाइप में हो गया। कुछ करिकुलर कराएंगे, कुछ एक्टिविटी कराएंगे जो आपके स्कूल के अन्य शिक्षक के साथ मिलके, तो आप वो देखेंगे कि दोनों शिक्षक शिक्षक में भी कोरिलेशन अच्छा है, तो इनसे हमें सीखना चाहिए। और बच्चों को अलग अलग समूह में जो है डिवाइड करके उनसे काम लेंगे, तो वो बेहतर ढंग से स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ठीक है, तो बी जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। 9 नंबर देखिए, छोटे बच्चों की ज्ञान इंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु क्या करना चाहिए? क्वेश्चन है कि छोटे बच्चों की ज्ञान इंद्रियों को, ठीक है, जो सेंसेस हैं उसे क्रियाशील व सक्षम बनाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शंस को देखिए, इनमें से कौन सा सबसे वीक है, पहले उसे काटिए। ठीक है, ज्ञान इंद्रियों को क्या बनाना है? क्रियाशील और सक्षम बनाना है। ठीक है, कक्षा में शांत बैठने को कहेंगे, खत्म नहीं हो सकता, उनको क्रियाशील रखेंगे, ये मजबूत ऑप्शन है। वस्तु उठाने व रखने का काम सौंपेंगे, बिल्कुल नहीं, उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएंगे, निरीक्षण करवाने से नहीं होगा ना, क्रियाशीलता का मतलब है कि उससे कुछ एक्टिविटी कराइए आप। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, इसलिए सी होगा, क्योंकि जब तक एक्टिविटी नहीं करेगा उसके ब्रेन के जो सेल्स हैं वो एक्टिव होंगे नहीं, और वो अलग अलग डायमेंशन में नहीं सोच पाएगा, इसलिए जो है सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। समाज की उन्नति व्यापक रूप से कैसे होगा? समाज की उन्नति व्यापक रूप से कैसे होगा? ठीक है, अब जो है इसमें हमें ऑप्शन चुनना है। समाज में कौन कौन रहते हैं? बहुत सारे प्राणियां रहते हैं, जिनमें कि पुरुष प्राणी है, महिला प्राणी है, वनस्पति है, जीव जंतु है, सभी है। ठीक है, तो सभी का समाज भी है। तो यहाँ पे समाज से हम जनरली समझ लेते हैं कि हमारा जो समाज है
वो हम समझते हैं अभी, प्रकृति के द्वारा बनाए गए अन्य समाज को नहीं समझते हैं, हमारा समाज समझते हैं, ठीक है। इसमें है कि केवल महिला अध्यापक हो, बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो, बालिका शिक्षा को कम महत्व मिले, बाल बालिका शिक्षा एक समान हो, ठीक। उन्नति की बात हो रही है व्यापक रूप में। पहले तो इसमें से काटिए, सबसे कमजोर ऑप्शन कौन सा है? बालिका शिक्षा को कम महत्व मिले, इसको पहले काटिए, सबसे कमजोर ऑप्शन है। केवल महिला अध्यापक हो, इसको भी काटिए, क्योंकि केवल वाली बातें जो है ना एक्सट्रीम स्तर की है, तो ऐसे ऑप्शंस को आपको पहले ही काट देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे डायमेंशन में आपको सोचना पड़ेगा। बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो, ये एक थोड़ी सी संकीर्ण वाली बात हो गई। ये पढ़िए, बाल बालिका मतलब कि जो लड़का लड़की का स्कूल है, शिक्षा जो है उनमें एक समान हो, उनकी शिक्षा जो है चाहे एक स्कूल में हो या अलग अलग स्कूल में हो, उससे नहीं मतलब है। ये तो इसको काटिए पहले, है इसको तो हटा दीजिए, ठीक है। एक समान उन्हें शिक्षा दी जाए, एक साथ भी दे सकते हैं, कोएड एजुकेशन में, कोएड एजुकेशन, ठीक है। तो इससे होगा क्या ना कि उसे ये नहीं लगेगा कि लड़की को या लड़के को ये नहीं लगेगा कि दूसरा जो लिंग है वो दूसरे प्लेनेट का प्राणी है, बहुत जो है पहले कभी देखा नहीं या वाली बातें हो जाती हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी, वो नॉर्मल ट्रीट करेंगे, नॉर्मल बिहेव करेंगे, और जो है चीज़ों को समझ पाएंगे कि जो है ऐसा कुछ नहीं है कि उनके विचारों में जो है विचारों का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे को समझ सकेंगे। तो इस तरह से जो है एक व्यापक जो है व्यापकता के साथ विकास होगा, चाहे एक पुरुष का हो या एक महिला का हो, ठीक है। तो उनमें जो है अगर उन्नति को व्यापक रूप से करना है तो कोएड एजुकेशन सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चंस थे, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अपना रिव्यू दीजिएगा कैसा था आज का क्लास, और नीचे कमेंट में जो है कॉम्प्लीमेंट देना हो कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, कमेंट देना हो कमेंट दीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।